हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अनिल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लोकल शोकल पर। तो भाई आज हम जा रहे हैं एक छोटे ट्रिप पर, ये हमारी चैनल की पहली ट्रिप होगी और भाई साथ है अपने अभिषेक भाई। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी एक पहली ट्रिप पर और हम बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। दिखाते हैं हम आपको गाड़ी को, डाल दिया है, हम जा रहे हैं अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेकर। तो भाई ये हमने अपना सामान डाल लिया है गाड़ी में और हम जा रहे हैं भाई एक अपनी पहली रोड ट्रिप पर। तो चलो भाई चलते हैं और चलते चलते करते हैं आपसे बात। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने पहले ट्रिप पर। गाइस बहुत खुशी हो रही है मुझे अपने पहले ट्रिप पे जाते हुए। तो आपको दिखाते हैं गाइस आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे और जहाँ भी हम आगे जाएंगे आपको सारी जगह बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप भी वहाँ बहुत इजीली जा सकते हैं। तो चलिए गाइस पहले हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा कुछ खाना पीना खिला देते हैं और उसके बाद करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। तो आ गए हैं गाड़ी का पेट भरने। तो गाइस हम डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल और देखिए भाई पेट्रोल डल रहा है हमारी गाड़ी में, अब तक 34 लीटर पेट्रोल आ चुका है और 35 से कट लग गया है। ऊपर तक भर दो भाई, से कर दो पूरी ऊपर तक कर दो। तो भाई इसके अंदर पेट्रोल अपना 35 लीटर से ऊपर आ जाएगा। ऊपर तक भैया को फुल करने के लिए बोल दिया है और दिखाते हैं आपको हम आगे कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। तो चलो भाई चलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। तो गाइस अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो आ चुका है फुल, यानी गाड़ी का पेट एकदम फुल ऊपर गले तक हमने भर दिया है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी जर्नी पर। भाई हमारी पहली जर्नी है, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो अभिषेक भाई बता तो दो हम जा कर रहे हैं। तो भाई आज हम जा रहे हैं मसूरी। मसूरी हमने सोचा कि 1 से 2 दिन में क्या कवर हो सकता है, तो हमने सोचा मसूरी कवर कर लेते हैं। वैसे वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है दिल्ली का भी और वहाँ का भी, तो बस हमने यही सोचा फिर मसूरी चलते हैं। तो सडनली प्लान बना हमारा और हम निकल गए अपना बैग पैक करके। तो अभी हम निकल चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं भाई, पूरे 7 बज रहे हैं। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं दिल्ली से, 7 अभी बज रहे हैं और लगभग 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है मसूरी तक का। निकले हैं दिल्ली से, एग्जिट होने वाले हैं, अब हम जा रहे हैं करनाल की तरफ। अभी रोड पे अभी हम बाईपास पे और ये है बाईपास की सबसे बढ़िया चीज, ये है भाई बाईपास की पहचान, बाईपास की शान, दिल्ली की भी शान, सबसे बड़ा कूड़ा घर। आई थिंक शायद सेकंड नंबर पे कूड़ा घर होगा बड़ा। हाँ, लार्जेस्ट मे बी गाजीपुर में है फर्स्ट, इससे बड़ा मतलब पूरी दिल्ली का कूड़ा घर कट्टा। ये देखो कितना कूड़ा है यहाँ पे, कूड़ा ही कूड़ा है, पूरी दिल्ली का कूड़ा है। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं मसूरी की, तो और जैसा कि अभिषेक भाई ने आपको बताया और ये भाई हमारी फर्स्ट जर्नी है, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको वो जगह दिखाने के लिए जहाँ जहाँ हम जाएंगे। और हम आपको भाई साथ साथ यही बताते जाएंगे कि आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके अगर जाते हैं मसूरी तो आपकी क्या कॉस्ट आएगी, कितना आपकी गाड़ी में पेट्रोल लगता है, कितना टोल लगेगा और कहाँ आप चीप से चीप प्राइस में होटल में रुक सकते हैं। तो भाई एक एक चीज़ हम कवर करेंगे और आपको सारी चीज़ डिटेल में बताते जाएंगे। भाई हो गई है रात और हमें जाम में, और ये देखो ये बाइकर देखो भाई बुलेट लेके, ये भाई एसके नंबर, ये का सिक्किम का नंबर है भाई ये, उत्ते बहुत दूर। फोकस करो भाई ऊपर देखो नंबर पे एसके, बड़ी दूर के सफर है, हिम्मत है भाई हिम्मत है में भी। और ये है जाम, लेकिन हम भी भाई किसी सिक्किम का टूर जरूर करेंगे भाई। ट्रैफिक बहुत है अभी तो हम कहीं निकल नहीं पाए, बस सिंधु बॉर्डर क्रॉस करो इतना ट्रैफिक है इस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा ट्रैफिक क्यों है। 1 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए, वैसे जब तुम कहते ट्रैफिक पता नहीं क्यों होता है, और वैसे कल कहीं चले जाओ नॉर्मली तो कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पर जब कहीं जाना हो ना तो हर जगह ट्रैफिक ही मिलेगा, फिर आपको कहीं भी चले जाओ।
तो भाई बहुत लंबे जाम के बाद निकले हैं बाहर, दिखा है थोड़ा खुला खुला माहौल भाई, बहुत ट्रैफिक था। 7 बजे हमने आपको टाइम बताया था, हो रहा है 8:16, और इतनी देर में मतलब सवा घंटे में हमारी जो कार चली है वो चली है बस 25 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितना ट्रैफिक था, बहुत टाइम लगा हमें उस ट्रैफिक में, मतलब स्टार्टिंग में इतना बुरा ट्रैफिक मिला आपने। ये अपना दोस्तों जाम था सिंधु बॉर्डर से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले से, और ये था अपना बालगढ़ तक, बालगढ़ जो फ्लाईओवर है वो क्रॉस करके तो बालगढ़ रोड है गाँव जाता है वहां तक भाई ट्रैफिक था अपना ये। और उसके बाद अब हमें मिला है थोड़ा खुला रोड, ये देखिए भाई अब थोड़ा सा रोड्स को देख के रिलैक्स हुआ, हम तो भाई परेशान हो गए थे ट्रैफिक में क्योंकि हमारी गाड़ी भाई ऑटोमेटिक भी नहीं है, अगर AMT होती तो भाई बात अलग थी, बार बार क्लेच दबाओ भाई, काफी परेशानी हुई। स्टार्टिंग में इसने थका दिया जाम, चलो देखते हैं भाई कब पहुंचते हैं। अभिषेक भाई हमने छोटी सी गलती है, घर से निकलते टाइम पे मेरे को रूट देख लेना चाहिए था। हाँ। अगर हम देख लेते हमें पता होता कि यहाँ तक ट्रैफिक है तो यार यहाँ से आते ही मेरठ एक्सप्रेस से निकल जाते हैं, तब तो हम शायद 1 घंटे हमने गाड़ी चलानी शायद मेरठ के आसपास पहुँच चुके। ठीक है जी, देखते हैं फिर कब तक पहुँचते हैं, करते हैं आपको अपडेट। और हम देहरादून से 13 किलोमीटर कुछ ही देर में हम देहरादून पहुँच जाएंगे, और अभी समय हो रहा है 11:30। हम सोच रहे हैं अपना पहला स्टॉप वहीं लें, अभी तक हमने स्टॉप नहीं लिया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने पहले स्टॉप देहरादून में। तो जी उत्तराखंड में अब स्वागत किया है हमारा इन्होंने, वो सामने जो लाइट्स दिख रही है वो है देहरादून, देहरादून रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर। तो दोस्तों हम आ गए हैं भाई देहरादून, और हमने अपना डिनर करने की शुरुआत कर दी है, यहाँ पर सब कुछ बंद था तो भाई एक भाई की दुकान खुली मिली है, यहाँ से हमने चाप की सब्जी और 2 रुमाली रोटी लगवाई, बाकी भाई हमारी मम्मी ने बड़े प्यार से घर से खाना साथ दिया था और साथ में हमने वो भी गर्म करवा लिया। तो कैसा रहा अभिषेक भाई सब कुछ? अरे बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत बढ़िया। चलो भाई मिलते हैं आपसे आगे, कर लेते हैं थोड़ा सा डिनर। ये देखो भाइयों, गूगल आंटी का कार नंबर, खाना खा के निकले और गूगल आंटी ने घुमा दिया गलियों में, देहरादून की गलियों में से रास्ता निकाल दिया गूगल आंटी। ये देखो लोग सो रहे हैं, उनकी गलियों में घूम रहे हैं। देहरादून सिटी जहाँ से हम अभी निकल के आए गलियों में से, चलो चलते हैं फिर भाइयों। आ गए हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे, ये है लाइब्रेरी चौक मसूरी। देखो रात में 1:30 बजे भी लोग यहाँ पे मौज कर रहे हैं। इधर जाओ, हम जा रहे हैं अभी अपने होटल। सो गाइस यहाँ हमने कर दी अपनी गाड़ी खड़ी भाई, रात को 1:30 बजे एक होटल मिल गया हमारे को, आगे हम आपको होटल का नाम और प्राइस बता देते हैं। और ये होटल वाले की स्कूटी भाई, ये अभिषेक भाई बैठे हैं स्कूटी से भाई, हम जा रहे हैं अपना नीचे होटल की तरफ, होटल थोड़ा सा भाई उधर नीचे की साइड है। और इस टाइम भाई मसूरी तो भाई बिल्कुल फुल है, यहाँ पर जगह नहीं है भाई। तो चलो भाई चलते हैं अपने होटल की तरफ और दिखाते हैं आपको रास्ता। ये भाई होटल है संगम होम स्टे, यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है। अभिषेक भाई हमारे यहाँ पर हैवी ड्राइवर होते हुए एकदम खटारा इसको भी चला रहे हैं भाई, ये ब्रेक भी नहीं है इसमें। और ये है भाई चमन होम स्टे, इसका बिल्कुल आगे वाला ही है। चमन चमन
आगे खड़ी कर दूसरी स्कूटी। तो भाई यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है नीचे का। और यहाँ से भी भाई अपना जो होटल है थोड़ा सा नीचे है, करीब कोई 10 स्टेप नीचे। चलो भाई आपको नीचे दिखाते। सो गाइज इस तरह का अपना रूम है, ये छोटा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई। अपना बेड लगा हुआ है, इधर अपना वॉशरूम है, इधर अपना ड्रेसिंग लगी हुई है भाई। ये वॉशरूम है भाई अपना, ये अपनी अलमीरा दे रखी है। और सबसे अच्छी चीज़ भाई इसमें हमारे को एक बालकनी मिल रही है। वैसे तो ये दो रूम से अटैच है, कॉमन बालकनी है, लेकिन भाई जो भी है बढ़िया है। ये कपड़े भी भाई इन्हीं के सूख रहे हैं, जो कॉमन बालकनी है इनका रास्ता यहाँ से है। और इस तरीके का कुछ यहाँ से अपना व्यू दिखता है। तो भाई ये रूम है अपना, बहुत भाई रीजनेबल रेट में पड़ा है, 600 में भाई ये रूम पड़ा है। थोड़ा छोटा है लेकिन सही है भाई, 600 में कोई क्या बुरा है। मसूरी फुल पड़ा हुआ है और ये रूम इस रेट में आपको कहीं और नहीं मिलेगा।